दवाई मिलेगा, दवाई मिलेगा, दवाई भिजवाता हूँ, लेकिन नहीं देता है दवाई भी, ना लेकिन आता है। लगातार हो रही बारिश के कारण देहरादून में मौसमी बीमारियों का कहर भी बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि देहरादून में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में यहां सरकारी अस्पतालों में ओपीडी की संख्या भी बढ़ती जा रही है। बढ़ते मरीजों की संख्या के कारण यहां भर्ती हुए मरीजों को ठीक से सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। उत्तराखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दून मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जब हमारी टीम पहुंची तो क्या कुछ कहना था मरीजों का, आप भी देखिए। हॉस्पिटल में ये बस मेरा मरीज का इलाज नहीं हुआ तब से दर्द से छटपट आ रहा, 3 दिन से बोल रहा हूँ, वो ध्यान ही नहीं देता यहाँ का डॉक्टर, वो जो भी रह रहे, फिर उसको वहाँ शिफ्ट किया था, फिर यहाँ यहाँ भिजवा दिया। अब यहाँ देखो अभी पता नहीं क्या हो गया, क्या अभी तो कोई आया ही नहीं है कुछ, इनको अभी मच्छरदानी भी नहीं देख ही रहे आप लोग, यहाँ कहा मिल रहा है कुछ भी नहीं मिल रहा, आता है बोतल लगा देता है चला जाता है, 2 सुई दे देता है चले, जब भी कोई आता है नर्स डॉक्टर बोलते मेरा पेट के दर्द बहुत नहीं आराम हो रहा है, मेरे पेट में दर्द बहुत हो रहा है, दवाई मिलेगा, दवाई मिलेगा, दवाई भिजवाता हूँ, लेकिन नहीं देता है दवाई भी, ना देखने आता है, कंधे से बहुत परेशान हूँ दर्द के मारे, दो दो बच्चे हैं छोटे छोटे, घर पर किसी और के पास रख के आ रखे। डेंगू से निपटने के लिए हालांकि दून मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने व्यवस्था बनाई हुई है, लेकिन बढ़ते मरीजों की संख्या के सामने वो नाकामी देख रहे हैं। दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में 30 बेड और बढ़ाए गए हैं। अभी तक अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए 30 बेड आरक्षित थे, ये संख्या अब 60 हो गई है। वही दून मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को देखने के लिए कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने हॉस्पिटल का जायजा लिया। जायजा लेने के बाद उन्होंने बताया कि जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है उस हिसाब से यहां और बेड बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने इस मौके पर सरकार और निगम की तैयारियों को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। प्रिंसिपल साहब से मैंने सुबह फोन पर उन्हें इत्तला दी थी कि मैं दून अस्पताल आऊंगा और डेंगू से लड़ने की क्या तैयारियां दून अस्पताल की हैं, क्योंकि मेडिकल कॉलेज भी है, देहरादून शहर का सबसे बड़ा पुराना अस्पताल भी है। आपको मालूम है जब कोविड की पहली लहर आई थी, पहला पेशेंट आया था, तब भी मैं सबसे पहले दिन यहाँ पर आया था, हालांकि उस समय मुझे 28 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया गया था, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आज मैं देहरादून का, जब मुझे लगातार जिस प्रकार से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं यहाँ पर लोगों के लिए बेड की पहले शुरू में कमी हुई, प्लेटलेट्स की कमी हुई, खून की कमी हुई, तो मैंने आज डॉक्टर सयाना से बातचीत करी थी और उसी सूचना के बाद मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। अस्पताल के जिम्मेदार अधिकारी मेरे साथ हैं, मैंने पूरा अस्पताल का मुआयना किया है और देखने में आया है कि 30 बेड वाला पूरा भरा हुआ है, जो नीचे और तैयारी है वो भी लगभग लगभग सारे बेड भरे हुए हैं। आईसीयू में कुछ बेड खाली ज़रूर है, लेकिन जिस प्रकार से सीरियस पेशेंट्स की आमद हो रही है, मैं समझता हूँ कि जल्दी देहरादून में और बेड्स की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि लगातार लोग फ़ोन कर रहे हैं, लगातार लोग शिकायत कर रहे हैं, प्लेटलेट्स की बहुत कमी है, खून की बहुत कमी है, तो दोनों अस्पताल में खून की कोई कमी ना हो, प्लेटलेट्स की कोई कमी ना हो। अभी मैं IMA ब्लड बैंक के अधिकारियों से भी मैंने बातचीत करी है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि देहरादून में हम लोग अपील करें कि यहाँ पर प्लेटलेट्स और ब्लड डोनेशन के कुछ कैंप्स लगें, जिससे कि अगर ये ज़्यादा फैलता है, क्योंकि मरीज जो मैंने जिनसे बातचीत करी है, देहरादून का कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ का मरीज ना हो, राजपुर के भी मरीज हैं, कारगी के भी मरीज हैं, बल्लूपुर के भी मरीज हैं, रायपुर के भी मरीज हैं, चारों तरफ शहर के चारों तरफ हर इलाके के मरीज यहाँ पर देखे जा रहे हैं। तो जब चारों तरफ शहर के अंदर डेंगू फैला हुआ है, तो अभी तो बरसात चल रही है, इसके बाद सितंबर का अक्टूबर का महीना बहुत क्रिटिकल होता है जिसमें ज़्यादा ये फैलता है, तो इसलिए लोगों से भी मैं अपील करता हूँ कि लोग थोड़ा सावधान रहें, पानी को जमा ना होने दें, अपने कूलर्स में, अपने तमाम आंगन में, घरों में जहाँ पानी जमा हो सकता है उस पानी को साफ करें। मच्छरों का विशेष तौर पर उनका उन्मूलन का जो अभियान नगर निगम चलाता है उसको तेज़ी से चलाया जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा बात यह है कि अस्पतालों में बेड्स की कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। अभी अस्पताल पूरा भरा हुआ है और मैं आज डॉक्टर सयाना से भी बात करूँगा, स्वास्थ्य मंत्री जी से भी बात करूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूँगा कि अस्पताल में बेडों की संख्या बढ़ाई जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आयुष्मान में जो हमारे डेंगू के पेशेंट हैं उनका इलाज हो, ऐसा हम सरकार से बातचीत करेंगे। इसके अलावा कंजक्टिवाइटिस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, आई फ्लू बहुत तेज़ी से फैल रहा है, उसके बारे में भी सावधानी भी लोग बरतें और जो भी सरकार जो ऑप्टिकल डिपार्टमेंट है, जो आई का डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा उसके उन्मूलन के लिए कार्रवाई के लिए दवाइयाँ वगैरह उपलब्ध रहें।
ये हम अपील कर रहे हैं अभी, क्योंकि मैं पहले दिन आया हूँ, इसके बाद मैं लगातार मॉनिटर करता रहूँगा। मैं डॉक्टर से भी अपील करी है, मैंने स्वास्थ्य विभाग से भी अपील करी है, और मैं बातचीत भी करूँगा कि ये बीमारी ज़्यादा न फैले, इसमें जनता भी योगदान करे और अस्पतालों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी ड्यूटी पूरी करें। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।